नमस्कार, मैं राधिका गुजर एसपी न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की खबर। बोड़ा में आयोजित हुआ सर्वधर्म रोजा इफ्तार कार्यक्रम। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार बोड़ा में सर्वधर्म रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यहां कार्यक्रम नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी रघु परमार द्वारा सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। एकता, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना का सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसमें कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग शामिल हुए। इस मौके पर नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले के भी वरिष्ठ नेता लोग शामिल हुए। वहीं पधारे हुए सभी समाज सेवी बंधुओं को साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। मंडावर से भूकंप प्रजापति की रिपोर्ट। आज हमने सर्वधर्म रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम बोड़ा में रखा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। आज की इस देश के परिदृश्य में जहाँ नफरत का पैगाम फैलाया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, प्रदेश नेतृत्व कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अन्य पार्टी, सबका एक ही है कि देश का विकास तभी संभव है जब इस देश में सब जाति, सब धर्म, जो कि हम सालों से देखते आ रहे हैं, एक होके रहते थे, एक मिलजुल के रहते थे, एक इस त्यौहार में जाते थे, वो त्यौहार ये जाति के मनाते थे, उसी के लिए हमने एक भाईचारे के लिए, एक मोहब्बत के लिए, एक प्रेम के लिए आज यहाँ पर सर्वधर्म रोजा इफ्तारी रखी, जिसमें हमारे डंडा वाले महाराज जी उपस्थित रहे, हमारे फादर के चर्च रहे, सिख समाज के रहे, मुस्लिम समाज के रहे और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण त्रिवेद सिंह जी रहे, प्रकाश पुरोहित जी रहे, गोविंद गुजर जी रहे, हमारे ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी के लखन रुहेला जी हैं, गिरीश भंडारी जी हैं, मंजू लता जी हैं, प्रेम किशोर मीणा जी हैं और सारे जिला परिषद के सदस्य, जनपद के सदस्य, यूथ कांग्रेस के सदस्य, NSUI के सदस्य, सेवा दल के सदस्य और सारे हमारे जितने भी हमारी जो कमेटियाँ हैं उनके मेम्बरान इसमें उपस्थित रहे और एक सब लोग एक ही संदेश देना चाहते थे कि इस देश में भाईचारा कायम रहे, इस देश में प्रेम कायम रहे, इस देश में सब आपस में मिलकर रहे। उसी उद्देश्य को लेकर आज हमने सर्वधर्म रोजा इफ्तारी यहाँ पे रखी थी। ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, आने वाला समय 21 तारीख को शायद ईद होगी। मैं हमारे मुस्लिम भाई को भी ईद की बधाई निश्चित करता हूँ कि ईद भी हम सब मिलजुल कर प्रेम भाव से मनाएं। धन्यवाद। आज माननीय रघु परमार जी ने एक बड़ी प्रशंसनीय कार्य किया है। माननीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर बोड़ा में एक सर्वधर्म इफ्तार का कार्यक्रम रखा और रघु परमार जी लगातार समाज सेवा के कार्य में पूरे इलाके में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और हमेशा चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो खेल की प्रतियोगिताएँ हों या सर्वधर्म सद्भाव और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, और आज इस कार्यक्रम में पूरा कांग्रेस परिवार राजगढ़ जिले का और नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र का शामिल हुआ। हमारे सभी अग्रणीय नेता आदरणीय गिरीश भंडारी जी, धूल सिंह यादव जी, मंजुलता शिवरी जी, प्रेम किशोर मीणा जी, गोविंद सिंह गुर्जर जी और समस्त युवक कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सभी ने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने की बात करी और इफ्तार का कार्यक्रम यहाँ पर रखा। हम सब लोग रघु परमार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, बधाई देते हैं। ठीक, जैसा कि राज साहब ने बोला है कि एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जो इस रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और रघु परमार जी ने ये कार्यक्रम करवा कर और पूरे
कांग्रेस परिवार के जिसमें सभी लोग उपस्थित थे, एक वर्तमान समय में जब भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने में तुली हुई है, ऐसे समय में सभी धर्म के लोगों को बुलाकर और रोजा अवतार का जो कार्यक्रम रखा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनने इस प्रकार का कार्य किया है। आज बोड़ा में हमारे माननीय रघु भैया इस क्षेत्र के जागीरदार दसुल्टा जागीर वालों की तरफ से सर्वधर्म रोजा अवतार कार्यक्रम रखा गया और ये बोड़ा में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो सभी लोग उपस्थित रहे। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री खिलजीपुर महाराज श्री प्रवेश सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसमें पूरे विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम था। इसमें बोड़ा, कोरावर, तलेन, नरसिंहगढ़ सभी लोग अल्पसंख्यक और उसमें महामंडलेश्वर डंडा स्वामी जी भी साथ थे। मतलब सारे लोग इसमें उपस्थित रहे और सभी लोगों ने हिलमिल करके इस रोजा अवतार को साथ में रह करके स्वीकार किया। मैं इसके लिए हमारे रघु भैया इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे आयोजन रखते हैं और बोड़ा नगर के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद। कार्यक्रम रखा बहुत ही बेहतर रहा। ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों से जो है भाईचारा बढ़ता है, हिंदू मुसलमान एकता बढ़ती है। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे भाईचारा एकता बनी रहे। संदेश है आज पूरी नरसिंहगढ़ विधानसभा में। वाकई में मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई राम परमार जी को कि आज उन्होंने जो ऐतिहासिक, वाकई में पहली बार नरसिंहगढ़ विधानसभा में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को बुलाकर उन्होंने मान सम्मान दिया है, जो रोजा अवतार का कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे भाई राम परमार जी से प्रेरणा लेकर हमारे और भी भाई इस तरह के कार्यक्रम नगर में रखें। मैं पुनः भाई राम परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ईद आने वाली है तो ईद के पहले हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद। ठीक जाने के लिए एकता तो आना जरूरी है ना, हमारे लिए भी दूसरे धर्म के बारे में जानने के लिए भी उनके साथ जुड़ी हो तो हमारे प्रेम भाव जो भाईचारा तो बढ़ाने के लिए एक अवसर है। तो दूसरे पर उन लोगों के साथ हमारे क्योंकि हम एक साथ है, हम एक ही शुभकामनाएं एकता का एक मनोभाव हम सब। इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? मेरे से जो पहली बार हुआ। अच्छा लगा।